दोस्तों आज थोड़ी सी बात करते हैं, ये 32-bit 64-bit का सिस्टम क्या है भाई साहब, मतलब समझ नहीं आ रहा है। मतलब काफी लोग ये भी पूछते हैं कि भाई 64-bit का अभी तक यूज कर रहे हैं, अपग्रेड बताओ यार, 128 पे पहुंचे और मजा मस्ती चले, पीसी फास्ट हो जाए। तो ये जो चीजें है ना, बड़ा कंफ्यूजन बन रखा है। यकीन करो मेरा भाई, लोग 8 GB रैम रख के भी यार गलत वाला आर्किटेक्चर बेस या विंडोज यूज कर रहे हैं जो वर्जन है आपका। आपको यूज करना चाहिए 32 पर, आप यूज कर रहे हो 64, जिसके कारण यार प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है। तो थोड़ा आज नियर बाय जाएंगे और कैसे आपके लिए बेस्ट रहेगा वो चीज बताने वाला, और 128 का भी खुलासा करता हूं। बाकी स्वागत है आप सभी का एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो अब दोस्तों ये सब चीजें समझने से पहले हमें थोड़ा सा यार ये सीपीयू के बारे में भी तो जान लेना चाहिए। जैसा मैंने बताया यार, दो तरीके के आपके यार सीपीयू है बेसिकली, जो दो आर्किटेक्चर पे बेस रहते हैं। एक हो गया 32-bit और एक हो गया 64-bit। अब इनमें एक ही चीज कॉमन लग रही है, बिट। अब बिट क्या है वो समझना पड़ेगा थोड़ा सा। तो बिट के अंदर भाई दो डिजिट आते हैं, एक होता है 0, एक होता है 1। इन दोनों को, तो इन लोगों को भाई आप वैल्यूज बोल सकते हो, सोच सकते हो। और भाई 8 bits को मिला के आप यार 1 byte बनाते हो, सोच। कंप्यूटर बेसिकली 0 और 1 की भाषा ही समझता है, तो इसकी यार बेसिक टर्म ये समझ सकते हो। अब देखो यार, जो 32-bit का आपका प्रोसेसर है ना, उसका आप ये इस हिसाब से समझ सकते हो कि 2 की पावर आप 32 लगा दो, जितने आएगी ना वो जो नंबर आएगा अंदर, वो भाई टोटल आपके बाइट्स होंगे। अब वो बाइट्स को जब आप कन्वर्ट करोगे जीबी के आसपास में, तो वो अराउंड आपके यार 4 GB के आसपास बनेगा। तो इसका मतलब एक चीज क्लियर होता है कि अगर आपके पास यार 32-bit का प्रोसेसर है बेसिकली, तो आप उसके ऊपर यार मैक्सिमम रैम 4 GB तक ही यूज कर सकते हो। इन केस ऑफ यार 64 अगर आप जाते हो तो ये नंबर बहुत बड़ा आता है और ये पहुंच जाता है भाई 16 exabyte, समझ रहे हो, मतलब ये हिला देने वाली चीज है। तो एक तरीके से समझ सकते हो, अगर नॉर्मली आपके पास यार एक पीसी है, तो उसके ऊपर सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आप उठाओ यार अपना गूगल और अपने प्रोसेसर का नाम सर्च करो और आगे लिखो 64 और 32। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रोसेसर 64-bit का या 32-bit का है। अगर भाई वहां पे 32-bit का निकला, तो आपको भाई विंडोज का 32-bit करना चाहिए इंस्टॉल, और 64 तो 64, ठीक है। अगर यहां रैम पे भी थोड़ी बहुत चीजें डिपेंड करती है, लाइक अगर 4 GB रैम है तो मैं आपको प्रेफर करूंगा 64 पे आ सकते हो, अगर उससे कम है तो 32-bit प्रेफरेबल रहेगा। वर्किंग थोड़ी बेटर हो जाती है अगर आप सही वाला आर्किटेक्चर बेस्ड चीजों को यूज करोगे। साथ ही साथ मैं ये भी बोलूंगा भाई, अपग्रेड कर लो रैम अगर यार 2 GB यूज कर रहे हो, क्योंकि अब लेटेस्ट जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं ज्यादातर 64 bit के होते हैं। तो ये सब तो बातें हो गई भाई पीसी को फास्ट वास्ट करने की, ये कौन सा बेस्ट रहेगा अपने लिए। पर यहां लोगों का सवाल है भाई, 128-bit वाला भी है क्या कुछ सीन, ये सब बताओ यार। तो सिंपल सी चीज है भाई, देखो 64-bit वाला मैक्सिमम कितनी रैम सपोर्ट करता है, 16 exabyte। आप समझ रहे हो, हम लोग अभी यार मैक्सिमम 32 GB रैम यार यूज करते हैं मोस्टली पीसी जितने भी है वर्ल्ड में, वो भी बहुत रेयर है सही बताऊं तो। अब देखो हम लोग जीबी यूज करते हैं, जीबी के बाद आता है आपका टेराबाइट, टेराबाइट के बाद पेटाबाइट, और पेटाबाइट के बाद आता है ये एक्साबाइट। तो समझ सकते हो हमें अभी यार बहुत लंबी दूरी तय करनी है, और पर्सनल कंप्यूटर में भाई जरूरत ही नहीं है 64-bit से ज्यादा की। तो इसलिए यार मुझे लगता है यार पर्सनल पीसी में अभी आपको 64 से ऊपर जंप होता हुआ जल्दी नहीं दिखेगा। बाकी हाँ, आप कौन सा अभी यूज कर रहे हो विंडोज वर्जन, वो मेरे को जरा कमेंट में बताना, 32 या 64। बाकी मेरे को लगा यार थोड़ा सा आपको बता देना चाहिए जो आपके लिए बेस्ट है। अब आप समझ चुके हो, इंस्टॉल करो, ट्राई करो। बाकी चलो हम लोग मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आई ये वीडियो तो बिल्कुल लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब बनता है, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।